आप सबका नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता है लिविंग हैप्पी में। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं सीटेड योगासन के श्रृंखला में, आज हम देखेंगे हिप रॉकिंग हम करेंगे। मित्रों, इसके लिए हम दंडासन में पहले आ जाते हैं। दंडासन स्टॉक पोज आपको मालूम होगा, यह प्रिपेरेटरी पोज है, अपने बॉडी को तैयार करता है। यहाँ आके आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये नॉर्मल हो गया। और इसी तरह से हम यहाँ से आ जाएंगे, अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे, यहाँ हाथ ये नीचे से और ये हाथ ऊपर। हमें अपने पैर को हग करते हैं, अपने छोटे से बच्चे को जैसे हम खिलाते हैं, प्यार करते हैं, इस तरह से करना है अपने जान को मिनिमम 16 टाइम। तो लेफ्ट हैंड को यहाँ नीचे आगे और यहाँ एंकल को पकड़ लेंगे और अपने हिप को रॉक कराएंगे जितना करा सकते, वाइड ओपन खोलिए जितना ओपन कर सकते हैं और जितना नजदीक ला सकते हैं नजदीक लाइए, बिल्कुल बच्चे की तरह इसे ऊपर भी खींचिए। पर ध्यान दीजिए मित्रों, बड़े ही आराम से दूसरा पैर पेट रहे, ये हमारा हिप रॉक हो रहा, हिप का पार्ट टोनिंग हो रहा, हमारे वेस्ट का टोनिंग हो रहा, हमारे ओब्लिक मसल पर काम हो रहे हैं। इस तरह से आप मिनिमम 16 टाइम्स एक रिप में कर सकते हैं और फिर इनहेल करता हुआ आगे फैलाइए, एक्सहेल करता हुआ राइट हो लीजिए, ये यहाँ ऐसे एक 16 टाइम्स यहाँ हिप रॉक कराइए, चेहरा पर प्रसन्न मुद्रा बना रहे, आपके मुख मंडल पर एक अपने आप तेज आ जाएगा जब आप इसको आनंदित से जब आनंदित होकर आप इस आसन को करते रहेंगे। ये देखिए हिप रॉकिंग, इससे हमारे ग्रॉइन एरिया में खिंचाव आता है जिससे वहाँ मजबूती होता है, हम इनर थाई पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने अपर आर्म्स पर भी काम कर रहे हैं, चेस्ट में भी खींचा हुआ रहा। इस तरह से आप इसे एक सेट कर सकते हैं और एक सेट में 16 टाइम्स। तो यह था मित्रों हमारा हिप रॉकिंग पोज, इसके फायदे को देखते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।